बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मिठाईपुर। उस गांव के हर घर में मिठाई बनाया जाता था और उन लोगों के द्वारा बनाया गया मिठाई मक्खन मलाई खाने में इतना स्वादिष्ट होता था कि दूर दूर से लोग आते थे लेने। गांव के सब लोग रोज खाने के साथ मलाई खाते थे, उसके बिना कोई खाना खाता ही नहीं था। उस गांव के एक घर में एक दिन अपर्णा ने हर रोज की तरह मलाई एक डब्बे में निकाल कर रसोई में रख कर सोने चली जाती है। दूसरे दिन जब अपर्णा अपने पति को खाना परोसने जाती है तब उसे मलाई का डब्बा कहीं नहीं मिलता, तो वो मन ही मन सोचती है, अरे मैंने तो मलाई निकाल कर यहीं रखी थी, डब्बा कहाँ चला गया? ये शायद अरुण का ही काम है, मैं कितनी बार उसे मना किया। फिर अपर्णा गुस्से में अपने बेटे को बुलाती है। अरुण, अरुण। हाँ मम्मी। तूने फिर से पूरा मलाई खा लिया? मैं नहीं खाया। तू नहीं खाया? तो कहाँ गया मलाई का डब्बा? मुझे नहीं पता मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं खाया। अरुण की बात सुनकर अपर्णा थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना सारा मलाई गया कहाँ। तब वो अपनी पति अलोक से जाकर कहती है, सुनिए जी, वो कल शाम का बनाया हुआ मलाई कहीं भी नहीं मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मलाई कहाँ जा सकता है? पता नहीं जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, आज आपको मलाई के बिना ही खाना खाना पड़ेगा। खाने में अगर मलाई ना मिले तो खाने का मन ही नहीं करता। अलोक और क्या करे, बिना मलाई के खाना खाकर काम पर चला गया। शाम को अपर्णा फिर से थोड़ा मिठाई बनाई और बड़ा सा कटोरी भरकर मलाई निकाली और उस कटोरी को बिस्तर के नीचे छुपा कर रख दिया और सोचा, अरुण को तो इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, अब देखती हूँ क्या होता है। सुबह जब अपर्णा सोकर उठी तो पहले बिस्तर के नीचे देखी और देखा कि वहाँ से मलाई की कटोरी फिर से गायब। इस बार अपर्णा बहुत चौंक गई और सोच में पड़ गई कि कौन ले जा रहा है ये मलाई। असल में 2-3 दिन से उस गांव में एक चुड़ैल रहने लगी थी जो गांव के बाहर वाले एक खाली पुराने घर में रहती थी। वही अपर्णा के घर से मलाई चुरा रही थी, लेकिन अपर्णा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उधर अलोक जब खाने बैठता है तब, अपर्णा जल्दी खाना लाओ, बहुत भूख लगी है, कल मलाई नहीं खाया इसलिए आज ज्यादा भूख लग रही है, आज थोड़ा मलाई ज्यादा लाना। तब अपर्णा बिना मलाई का ही खाना लेकर अपने पति को दिया तो उसके पति खाने के थाली में मलाई ना देखकर गुस्सा हो गया और कहा, यह क्या, आज भी मलाई नहीं बनाया? मुझे माफ कर दीजिए, कल रात को तो मैंने मलाई की टोकरी बिस्तर के नीचे छुपा कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद फिर से गायब हो गया। लेकिन ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं घटी, कोई जानवर आकर खा रहा है क्या? लेकिन जानवर कटोरी का क्या करेगा, और जानवर आकर खाएगा तो हमें आवाज तो सुनाई ही देता ना, मुझे लगता है कोई चोरी कर रहा है मलाई। दोनों को ही कुछ नहीं सूझ रहा था तो अलोक फिर से बिना मलाई के जैसे तैसे करके खाना खाकर निकल गया। दूसरी तरफ अपर्णा की पड़ोसी उज्जला भी पिछले रात को मलाई निकालकर रसोई में रखी थी और रात को चुड़ैल आकर उसका मलाई की कटोरी भी ले गई। सुबह जब उज्जला अपने पति के लिए खाना परोसकर मलाई देने गई तो देखी मलाई की कटोरी रसोई में कहीं है ही नहीं, तो उसने भी सोचा, अरे मलाई कहाँ चली गई, सुहानी खा गई होगी, कितना बदमाश हो गई है ये लड़की, अब क्या करूं, उससे तो बिना मलाई के खाना खाया ही नहीं जाएगा। एक काम करती हूँ, अपर्णा दीदी से थोड़ा मलाई मांग कर लाती हूँ, आज जो मलाई निकालूंगी वो छुपा कर रखूंगी। ये बोलकर उज्जला अपर्णा के पास गई मलाई मांगने।
अपर्णा दीदी, वो मुझे थोड़ा मलाई दे दो ना। लगता है सुहानी सारा मलाई खा गई है, और उसको अगर खाने के थाली में मलाई नहीं मिला तो शायद बिना खाना खाए ही वो चला जाएगा। अब क्या बताऊं उज्जला, मेरे घर में भी तो 2 दिनों से कोई मलाई चोरी कर रहा है। मेरे पति भी बिना मलाई के जैसे तैसे करके खाना खा रहे हैं। अरे ये किसका काम है? ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। उज्जला तब घर आकर अपने पति को बिना मलाई के ही खाना देकर कहती है, सुनिए जी, मलाई का कटोरी कहीं नहीं मिला। लगता है सुहानी सुबह निकलते समय पूरा मलाई खाकर चली गई। तो मैंने अपर्णा दीदी से भी मांगने गई थी, लेकिन उसने कहा कि 2 दिन से उसके घर से कोई मलाई चोरी कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस गांव में मलाई कौन चोरी करेगा? पता नहीं जी, आज आप कष्ट करके खाना खा लीजिए, शाम को मैं ढेर सारा मलाई निकाल कर रखूंगी। कैसे खाएं? मलाई के बिना खाना तो गले से उतरेगा ही नहीं। उज्जला के पति तब खाना खाकर खेत में काम करने चला जाता है। शाम को उज्जला फिर से मलाई निकालकर एक डब्बे में भरकर एक बक्से के अंदर छुपा कर रखती है। पर दूसरे दिन वो देखती है कि फिर से मलाई का डब्बा गायब। उस दिन गांव के कई घरों से मलाई चोरी हुआ था। सब इस घटना से हैरान थे। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोई सबके घर से मलाई चोरी कर रहा है, पर उस चोर का कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। पर सबको जो बात सताया जा रहा था वो है कि एक ही रात में इतने सारे लोगों के घर से मलाई चोरी करना तो नामुमकिन है। भाई बात इतना ही अजीब है कि सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा हूँ। सच में भैया, और कुछ भी तो चोरी नहीं हो रहा है, बस रोज सबके घरों से सिर्फ मलाई चोरी हो रही है। चोर इतना सारा मलाई का करता क्या है भाई? वो तो चोर ही बता सकता है। लेकिन इस चोर को पकड़े कैसे? तभी अपर्णा के पति आलोक को एक बुद्धि सूझा, तो उसने बोला, एक काम करते हैं, आज शाम को बस 2-3 घर में ही मलाई बनेगा, बाकी कोई मलाई नहीं निकालेगा। उसके बाद आज रात को सारा मलाई हम लोग एक साथ हमारे घर के रसोई में रखकर छुपकर उस पर पहरा देंगे। चोर को मलाई लेने यहीं आना पड़ेगा, तो हम उसे पकड़ लेंगे। ये तो बढ़िया आइडिया है लोग भैया, फिर ऐसे ही करते हैं। सब गांव वाले तब आलोक के कहे मुताबिक काम किया और सारा मलाई आलोक के रसोई में रखकर पहरा देने लगा। तभी आधी रात को उन लोगों ने देखा एक चुड़ैल आकर एक साथ कई हाथ निकालकर सब मलाई की कटोरी एक साथ लेकर जा रही है। ये देख सारे गांव वाले हैरान हो गए। ये कौन है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक चुड़ैल है। इसका मतलब हम सबके घरों से ये चुड़ैल ही रोज मलाई चुरा रही थी। लेकिन इतने सारे मलाई का ये करती क्या है? खाना ही होता तो यहीं पर खा लेती, लेकर नहीं जाती। वो तो हमें उसके पीछे जाकर ही पता लगेगा। तो फिर चलो उसके पीछे। जब चुड़ैल सारा मलाई लेकर जा रही थी तब गांव वाले ने उसका पीछा किया। चुड़ैल जाकर गांव से बाहर के उस पुराने घर में घुस गई। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे उस घर तक पहुंच गए। अब क्या करें, अंदर जाएं क्या? अंदर जाना भयानक हो सकता है। अगर चुड़ैल ने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या करेगी। तो कैसे पता चलेगा कि चुड़ैल मलाई लेकर क्या करती है? इस घर में बहुत सारी खिड़की है, चलो देखते हैं किसी भी खिड़की से अंदर देख पाते हैं कि नहीं। फिर एक खिड़की से झांक कर वो लोग देखते हैं कि उस घर में बहुत सारे मलाई की कटोरी पड़ा हुआ है और घर के एक कोने में 10-12 सफेद पुतला रखा हुआ है। चुड़ैल तब सारा मलाई ले जाकर पुतला बनाना शुरू कर दिया और बोलने लगी,
अभी और कुछ ही पुतला बनाना बाकी है, तो आने वाले अमावस के रात मैं इन सभी पुतलों को जिंदा कर दूंगा और शैतान बनाकर पूरे गांव में सबको मेरा गुलाम बना लूंगा। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले बहुत डर गए। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव तबाह हो जाएगा। तब आलोक ने बोला, इसका मतलब हमारे बनाए हुए मलाई से पुतला बनाकर हम लोगों को ही गुलाम बनाना चाहती है। अब हम क्या करें? हमारे गांव में जो साधु बाबा हैं, हम उसके पास चलते हैं, अगर वो कुछ उपाय निकाल पाए। गांव वाले सब मिलकर तब साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा तब अपनी कुटिया के बाहर यज्ञ कर रहे थे। सबने जाकर उनसे कहा, बाबा हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, आप कुछ उपाय निकालिए। क्या हुआ है? गांव वाले ने तब साधु बाबा को सब खोल कर बताया। तब साधु बाबा ने कहा, कहां है वह चुड़ैल, मुझे ले चलो उधर। तभी साधु सब गांव वाले के साथ उस घर के सामने गए। चुड़ैल तब भी उस घर में पुतला बना रही थी। उसके बाद साधु बाबा उस घर के चारों तरफ एक लकीर खींची और कुछ मंत्र पढ़ के उसके अंदर आग लगा दी। चुड़ैल घर से निकल नहीं पाई, वो अंदर चिल्लाने लगी और उसके पुतले के साथ घर के अंदर ही जलकर राख हो गई।